आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। दस मई 2023 दिन बुधवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। दोपहर 1:49 तक इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा शाम 4:12 तक, इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। साध्य योग शाम 6:17 तक, इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12:30 तक, गुलिक काल सुबह 10:37 से दोपहर 12:18 तक। इन समयों में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य की शुरुआत और यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां बिंदी। और चलिए अब राशि अनुसार भी बात कर लेते हैं और जानते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में कि मेष राशि की आज आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, काम काज रिश्ते सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए ऐसा है, मेष राशि में अभी भी सूर्य राहु बुध बृहस्पति की युति बनी हुई है। ये बृहस्पति व्यय भाव का स्वामी होकर के और मेष राशि में स्थित है, तो बढ़ता हुआ खर्च तो मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि बृहस्पति की डिग्री बढ़ रही है तो खर्च बढ़ेगा। सफलता मिलेगी इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन यदि आपको शुगर की शिकायत है तो आंखों से जुड़ी समस्या भी पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल भूल करके भी अपमान न करें, चाहे वो अपने घर के हों और चाहे वो समाज के हों। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभंक आपके लिए 5 है, शुभरंग आपके लिए नीला है। जय मां बिंदी। निवास चर्चा आगे जारी रहेगी, फिलहाल बात करते हैं वृषभ राशि की और वृषभ राशि का राशिफल जान लेते हैं आज उनकी कैसी रहने वाली है आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय मंगल के साथ अपने भाव से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। धन भाव में गोचर करने के कारण कारोबारी डील में सफलता आपको धन लाभ कराएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी आपको तरक्की दिलाएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, और ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं मिथुन राशि की और मिथुन राशि का आज कैसा पूरा दिन रहने वाला है, चलिए देखते हैं। देखिए मिथुन राशि में इस समय शुक्र और मंगल की स्थिति है, आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति एकादश भाव में है। ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि नौकरी लगने से आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ऑफिस में वाद विवाद से बचना चाहिए, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। पेट का दर्द आपको परेशान कर सकता है, अनजान से बातें बिल्कुल साझा ना करें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच बात कर लेते हैं कर्क राशि की और कैसा रहेगा आज पूरा दिन कर्क राशि के लिए, जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय धनु राशि में गोचर कर रहा है अपने भाव से 6ठे भाव में।
और उस पर मंगल और शुक्र की पूरी दृष्टि है। इसका मतलब कि नए कारोबार में तेजी आएगी, ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, भाई के साथ विवाद हो सकता है, योग और प्राणायाम से स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी से वाद विवाद ना करें, पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवास। हैं सिंह राशि की, तो कैसा रहने वाला है सिंह राशि के लोगों का पूरा दिन, देखते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय मेष राशि में राहु के साथ बुध बृहस्पति के साथ नवम गमन स्थान में है। यात्रा तो आप करेंगे, लेकिन यात्रा पर धनहानि होने के संकेत भी बने हुए हैं, इसलिए यात्रा करें तो सावधानी पूर्वक करें। ऑफिस में अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे, ज्यादा गुस्सा रिश्तों में दरार डाल सकता है। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, नई प्रॉपर्टी के पेपर्स अच्छे से जांच लें, अपने पर्स में तांबे का सिक्का रखें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बात कन्या राशि की, तो आज कन्या राशि के लोगों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में भले ही केतु बैठा हुआ है, लेकिन मंगल शुक्र की स्थिति जो आपके दशम भाव में हो, इस बात का संकेत कर रही है कि रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है, बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है, नींद न आने की समस्या हो सकती है। गाड़ी चलाते समय ज्यादा सतर्क रहें, जरूरतमंदों में अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बात तुला राशि की कर लेते हैं, आज इनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है जानते हैं। तुला राशि पर बृहस्पति, बुध, राहु और बृहस्पति सूर्य की दृष्टि है और भाग्य स्थान में मंगल के साथ शुक्र है। पार्टनरशिप में धन लाभ हो सकता है, ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, अच्छा खान पान आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, ज्यादा उत्साह नुकसानदायक साबित होगा। जेब में नारंगी रंग का रुमाल रखें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि की भी कर लेते हैं, आज वृश्चिक राशि के लोगों का कैसा पूरा दिन रहने वाला है, आइए देखते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि से द्वितीय भाव में इस समय चंद्रमा की स्थिति है और चतुर्थ भाव में शनि है और छठे भाव में 4-4 ग्रह विराजमान है रोग शत्रु के स्थान में, तो इससे एक बात के संकेत तो मिल रहे हैं कि धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। नौकरी में बदलाव के लिए दिन अच्छा है, नए रिश्ते बनेंगे, विवाह का योग भी बन रहा है। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या हो सकती है, जल्दबाजी का निवेश हानि करा सकता है। बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की, तो क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय सूर्य के साथ मेष राशि में गोचर कर रहा है और आप ये जानकर के हैरान मत होइए कि राहु भी अभी साथ में बना हुआ है, तो अगर आज आप साझेदारी का कोई व्यवसाय शुरू करेंगे तो नुकसान पक्का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके सहयोगी आपका साथ निभाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन साथी को आगे बढ़ने में आपको मदद करनी चाहिए
और आज सावधानी पूर्वक चलना फिरना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, क्योंकि आज चोट चपेट लगने की भी संभावना बनी हुई है। किसी अनजान की बातों पर विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शुभंक आपके लिए साथ है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से मकर राशि का राशिफल भी जान लेते हैं और देखते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को कहूंगा कि आपके कुंभ राशि में द्वितीय भाव में शनिदेव की स्थिति क्या जोरदार है। अगर आप शेयर बाजार का काम करेंगे तो आज आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और आज आपके डिसीजन भी अच्छे होने वाले हैं। बस ये है कि नौकरी अगर करते हैं तो जरा धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि आपकी पदोन्नति होने वाली है, अपनों से जल्दी मुलाकात भी होने वाली है, आपको पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है, किसी से किसी प्रकार की वादा फरोशी या धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें, बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभंक आपके लिए आठ है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए जान लेते हैं कुंभ राशि का भी राशिफल और देखते हैं आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि से जो व्यय भाव है वो तो मकर राशि ही है और शनि कुंभ राशि में ही है, तो बढ़ता खर्च कहीं न कहीं से मुसीबत में डाल सकता है। नौकरी में बदलाव के लिए दिन अच्छा है। आपका धैर्य आपके बिगड़ते रिश्तों को भी सुधार लेगा। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी को अपना वाहन आप उधार न दें। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाएं। शुभंक आपके लिए पांच है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं आज मीन राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत रहता है। मीन राशि से दो केंद्र में शुक्र मंगल और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, जो इस बात का संकेत है कि आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं, धन लाभ हो सकता है, ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से आपको बचना चाहिए, धन हानि की संभावना है, सतर्क रहें। जरूरतमंदों में फलदान करें। शुभंक आपके लिए नौ है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज आपको हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा और कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।